अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फैसला। जैसे कि आपको मालूम है, नादरा के अंदर एक लेटेस्ट जॉब चल रही है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया तो मेरे इस चैनल के ऊपर आप वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको मुकम्मल तरीका सिखाया था कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो लास्ट डेट की बात करें तो 25 अगस्त तक आपने अप्लाई करना है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी तेज़ होनी चाहिए। और स्किल की बात करें तो आपके पास यहाँ पर MS ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ईमेल के बारे में और स्किलिंग के बारे में। तो आपने ये वीडियो देख लेनी है अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो। आज की वीडियो में मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता होगा तो फिर आपको टेस्ट इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे टेस्ट होना है, टेस्ट आपके नादरा के हेड ऑफिस के अंदर होगा। आपको कॉल करके बता देंगे कि आपका नेक्स्ट किस दिन टेस्ट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका सिलेबस बताऊँगा जो कि नादरा आपको खुद बताता है। अगर ये वाला सिलेबस आपको पता हो तो इंशाल्लाह आपका यहाँ पे टेस्ट 100% क्लियर होगा। और टेस्ट क्लियर होने के बाद नेक्स्ट फिर आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू बिल्कुल आसान होता है। बेसिक आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, और इंटरव्यू होने के बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो इसलिए आपने वीडियो को लाजमी देखना है, मुकम्मल देखना है, बिल्कुल एक एक चीज़ आपने समझ के देखनी है। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो कि PDF का होगा। आपने इस PDF को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस PDF के अंदर वो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में इस बताते हैं कि इसका सिलेबस कौन सा है जो कि आपने तैयार करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपके 2 टेस्ट होंगे। एक आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा और दूसरा आपका MCQs का टेस्ट होगा। और टाइपिंग के टेस्ट के अंदर आपको वो 3 मिनट देते हैं जो कि आपने टाइपिंग करनी होती है। कंप्यूटर के ऊपर आपके सामने एक पैराग्राफ होगा इंग्लिश का, उसको आपने टाइप करना होगा एक्यूरेसी के साथ। तो नंबर की बात करें तो इसके अंदर 20 नंबर होते हैं। अगर आपके वहाँ पर 10, 12, 14 नंबर आ गए तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। अगर इससे कम नंबर हुए तो फिर आप फेल होंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में फेल होते हैं। तो इसलिए आपने इसको लाजमी तैयार करनी है, प्रैक्टिस करनी है, घर में कर सकती हैं। उसके बाद टाइपिंग मास्टर इसको आपने इंस्टॉल करके वहाँ पे टाइपिंग करनी है, इसकी स्पीड को बढ़ाना है, और साथ में अपने एक्यूरेसी के साथ स्पीड को तेज़ करना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। MCQs बिल्कुल आसान होते हैं, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वाली जो टाइपिंग है मुश्किल होती है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। इसको तैयार करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी आपके पास 25-26 दिन हैं, आप लाजमी इसको तैयार करें। तो इसलिए आपसे सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जो मैं टिप्स दूंगा वो ये है कि आपने इसको लाजमी तैयार करना है जो कि सही एक्यूरेसी के साथ। तो अभी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस होता है, इसके अंदर कोई आपका सिलेबस नहीं, वो आपको बताते हैं कहीं से भी आपको यहाँ पे आ सकता है। आपने सैंपल यहाँ पे देख लेना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, 20% आपका जनरल नॉलेज में से आता है। आपने उसको तैयार करना है। करंट अफेयर के बारे में आपको पता नहीं चाहिए, सियासत के बारे में आपने देख लेना है, करेंसियों के बारे में, उसके बाद कौन कौन से मुल्क हैं, उनके फ्लैग कौन से हैं, ये वाली चीज़ें आपने लाजमी तैयार करनी है। तो जनरल नॉलेज आपको ज़्यादातर यहाँ पे 20% आता है, आपने देख लेने। पाकिस्तान से भी होता है, और ज़्यादातर बाहर कंट्रियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री हैं, उनकी करेंसियाँ कौन सी हैं, करेंसियों के बारे में ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 2 कॉलम होंगे। एक के अंदर यहाँ पे सही इसका टाइप होगा, और दूसरे के अंदर एक मिस्टेक होगी, वो आपने देखनी होगी कि यहाँ पे इनके अंदर मिस्टेक किसके अंदर है। दोनों कॉलम होंगे, दोनों यहाँ पे सेम यहाँ पे डाटा होगा, लेकिन एक यहाँ पे इनसे की गलती होगी जो कि आपने देखनी है। इसको आपने ध्यान से देखना होता है, जल्दी में नहीं देखना होता, बल्कि इसको आपने सही तैयार करना है। तो नेक्स्ट आपकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश में से आपकी ग्रामर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपने ग्रामर को तैयार करना है। अगर आप ग्रामर तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे 100% इंग्लिश हो जाएगी। इसके अंदर भी आपका 20% यहाँ से इंग्लिश में से आता है। तो यहाँ ये वाले सब्जेक्ट आपके तैयार होंगे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको मज़ीद सब्जेक्ट बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस के बारे में। तो इसके अंदर आपकी ज़्यादातर जो आती है वो 9, 10 की फिजिक्स में से आती है, आपने उसको तैयार करना है। उसके बाद FA वाली जो फिजिक है आप उसको तैयार करेंगे तो आपकी जनरल नॉलेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं, यही सिलेबस है जो कि आपको नादरा खुद बताता है। इसको कहता है कि आपने तैयार करना है। अगर ये सिलेबस आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहेगी। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, 20-25 दिन है, आप इसको लाजमी तैयार करें, इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कभी कोई क्वेश्चन हो तो वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।